हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ तरीके जानेंगे जिससे नंबर सिस्टम और कन्वर्जन्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है वो क्या है कि अभी चार नंबर सिस्टम इंक्लूड है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जो बाइनरी होता है बेसिकली वो 0 1, जो डेसिमल होता है 0 से 9, मतलब 0 1 2 3 4 9 तक, ऑक्टल मतलब 0 से 7, और हेक्साडेसिमल होता है 0 से 15। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का एक टेबल है उसे लर्न करना होगा। ठीक है, तो उसे लर्न करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक ट्रिक है, वो आप जान लीजिए कि टेबल को कैसे बनाते हैं और फिर आप इजीली कन्वर्जन्स उसका यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए अब एक बार टेबल बनाते हैं ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल का। तो ये जो टेबल है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का, इसे लर्न करने से अच्छा है कि आप एक ट्रिक करके याद कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता कन्वर्जन का तो आप रफ पेपर में इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, ऑक्टल जो ये जो बाइनरी है इसे हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप ये टेबल को याद रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको 4 0 4 1 मतलब 4 1 लिखना है इस साइड में, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा आप लिखिए और फिर 0 से 7 तक इसे असाइन कर दीजिए। तो ये है ऑक्टल का। और हेक्साडेसिमल में क्या है, सबसे पहले 8 बार 0, 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, ऐसे करके, और फिर 0 1 0 1 0 1। तो ऐसे आप टेबल इजिली बना सकते हैं। ठीक है, याद करने का भी दरकार नहीं पड़ेगा आपको। तो ये था ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का टेबल जो आपको दिमाग में रखना है, और आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग जीरो, जैसे 4 बार 0 4 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 ऑक्टल का केस में, लेकिन हेक्साडेसिमल का केस में 4 बार 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 और 0 1 0 1। ठीक है, तो इसमें हम 4 बार 0 लिखेंगे, फिर 2 बार 0 लिखेंगे और फिर 1 बार 0 ऑल्टरनेटिवली। ओके, और इसमें हम 8 बार 0 4 बार 0 2 बार 0 1 बार 0 ऑल्टरनेटिवली फिर लिखते जाएंगे इसको। तो ये था इजी तरीका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का टेबल। अब हम लोग चलते हैं कन्वर्जन्स की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन्स। सबसे पहला कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल 36, ये डेसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर डेसिमल टू बाइनरी होता है, अगर कोड वर्ड है इसका डीबी, अगर डीबी होता है इसका मतलब आपको डिवाइड बाई टू करना होगा। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आएगा उसे नीचे से ऊपर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल 36, तो ये ऐसे करके आप लिख दीजिए 218, इसका रिमाइंडर कितना बचता है, 0 इसके साइड में। ओके, 29, इसका रिमाइंडर 0, 28 रिमाइंडर 1, 22 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर कितना, 0। तो यहां से यहां तक इस ऑर्डर में आप लिखिए 1 0 0 1 0 0। ओके, तो ये आपका है डेसिमल टू बाइनरी। अगर डेसिमल टू बाइनरी होता है सिंपली आपको क्या करना है, डी बी मतलब डिवाइड बाय टू। अब नेक्स्ट जो है वो है डेसिमल टू ऑक्टा। तो डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल में आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 8। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे दे 4 5 7, ये आपका डेसिमल है, आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अगर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 8। इसी तरह आपको डिवाइड बाय 8 में कन्वर्ट डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आएगा उसे आपको नीचे से ऊपर तक लिखना होगा। ओके, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जो है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 16। तो ये आपको याद रखना होगा, डिवाइड बाय 16 और जो रिमाइंडर आएगा उसे नीचे से ऊपर तक लिख दीजिएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में डिवाइड बाय 2, 8 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको स्प्लिट स्प्लिट मेथड यूज करना, मतलब ये एक तरीका है स्प्लिटिंग। तो आपको जैसे ये नंबर है बाइनरी, तो
तो आप क्या करिएगा, 1 1 0 1 0 इसे स्प्लिट करके लिख दीजिए, ठीक है। मैं अच्छा से एक बार लिख देता हूँ, स्प्लिट 1 1 0 1 0 स्प्लिट कर दिया, और बैक साइड से 2 to the power 0 2 to the power 1 मल्टीप्लाई 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जो आंसर मिलेगा आपको वो होगा डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसे थोड़ा फैला के स्प्लिट करके लिख दीजिए, और फिर बैक साइड से 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 एंड सो ऑन कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका डेसिमल होगा, ओके। अब नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में भी सेम 6 7 2 स्प्लिट। अब ऑक्टल मतलब इसका रेडिक्स वैल्यू 8 है, रेडिक्स वैल्यू मतलब कि ऑक्टल में 0 से 7 डिजिट है, मतलब टोटल कितना डिजिट है, टोटल डिजिट को रेडिक्स वैल्यू बोलते हैं, वो 8 है, ओके। सो 8 to the power 0 8 to the power 1 8 to the power 2 को मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, तो आपको जो मिलेगा वो होगा डेसिमल में, ठीक है। तो ये ऑक्टल टू डेसिमल। अब नेक्स्ट है हेक्सा टू डेसिमल, मतलब हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू स्प्लिट हेक्सा डेसिमल एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई 16 to the power 0 फ्रॉम बैक साइड, ओके। सो ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब 11, तो 10 11 3 1 मल्टीप्लाई बाय 16 to the power 0 16 to the power 1 16 to the power 2 एंड 16 to the power 3 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका डेसिमल में होगा, ओके। सो ये था बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन्स के लिए यू नीड टू यूज स्प्लिटिंग एंड देन ऑन डिपेंडिंग ऑन द रेडिक्स वैल्यू यू नीड टू मल्टीप्लाई रेडिक्स वैल्यू टू द पावर 0 1 2 3 फ्रॉम बैक साइड एंड देन यू नीड टू ऐड द रिजल्ट। तो ये था कन्वर्जन्स। इससे पहले जो मैंने बताया था वो क्या था, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। इन दैट केस यू नीड टू डिवाइड बाय 2, 8 and 16 रेस्पेक्टिवली, बट इन दिस केस यू नीड टू स्प्लिट एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई, ओके। इसमें मल्टीप्लाई करना है, उसमें डिवाइड करना है। अब जो है वो है डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी फ्रैक्शंस और बाइनरी फ्रैक्शंस टू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये काफी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है फ्रैक्शंस में कन्वर्जन्स, तो चलिए उसे अब देखते हैं। तो देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी फ्रैक्शंस यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल मतलब 0.375 ये मेरा डेसिमल फ्रैक्शन है, उससे मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फ्रैक्शन। सो डी बी मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 इन केस ऑफ फ्रैक्शन, बट इन केस ऑफ डेसिमल टू बाइनरी वी नीड टू डिवाइड बाय 2, ओके। सो अब हम 0.375 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा अभी क्या आता है 0.750, ठीक है। तो ये जो 0.750 है, ये जो डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगा उसे आपको साइड में लिखना है, ओके। दिस इज 0। नेक्स्ट मैं डेसिमल के जो राइट साइड है वो वैल्यू ले लेता हूँ और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। तो मैं जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरा 1.500। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड वालों को साइड में लिखिए और जो डेसिमल के राइट साइड वाला है इसमें क्या है 0.500 उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए। इसके बाद आता 1.000। तो जो डेसिमल है डेसिमल के लेफ्ट साइड को लेफ्ट वाला डिजिट को साइड में लिखिए और जो राइट वाला है उसे 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो इस केस में आएगा 0। तो मैं 0.000 इंटू 2 कर देता हूँ, हाँ 0.0। तो ये अल्टीमेटली मेरा 0 ही आता है। तो इस केस में आपको कहाँ से कहाँ जाना है, इस केस में आपको जाना है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0 1 1, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं होगा, ये आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 1 1। तो ये था डेसिमल फ्रैक्शन से बाइनरी फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन से बाइनरी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। जो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला डिजिट है उसे साइड में लिखिए और जो राइट साइड वाला डिजिट है जो वैल्यू है उसे फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, ऐसे अप्रोच करिए, ओके। तो ये था डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन।
मीन्स बी डी, जब भी बी डी या ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आए, उस केस में आपको स्प्लिट का तरीका यूज करना है, ठीक है, स्प्लिटिंग का तरीका। जैसे बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अभी। तो ये एग्जांपल है 0.01101, ठीक है, रेडिक्स वैल्यू 2। जैसे मुझे डेसिमल में, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। जो डेसिमल के, जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, उसे मैं सेपरेट करके लिखूंगा 01101, ओके। और फिर मैं 2 to the power -1 से 2 to the power -2, 2 to the power -3, 2 to the power -4 और 2 to the power -5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, फिर मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर आपको लिखना है और उसके आगे डेसिमल बैठाना है, और डेसिमल और जो आपका आंसर आएगा। तो ये जो होता है, ये है बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, सीधा सीधे मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर आपको जो डेसिमल है उसके जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो आपको लिखना साइड में, और जो राइट साइड में जो डिजिट है उसे आपको मल्टीप्लाई बाई टू करके नीचे बढ़ना है। और फिर बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन में आपको स्प्लिट यूज करना है, और 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना है। तो ये था डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन एंड बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो क्वेश्चन है वो कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। तो अभी मैंने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन और बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट कर रखा है, तो उसका आपको यूज करना है पूरा इसमें, ठीक है। तो जो ये तो आपका बाइनरी फ्रैक्शंस आपको दिख रहा है, तो आपको इसे डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो डेसिमल के बाद वाला है, डेसिमल के बाद वाला है, उसे आपको स्प्लिट करना होगा। कैसे, डेसिमल के बाद वाला 0 0 1, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा और फिर ऐड करना होगा, ओके। तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा, 0 + 1/4 + 1/8, तो 1/4 + 1/8 जो आंसर आएगा वो। अब डेसिमल के लेफ्ट वाला, मतलब ये पॉइंट के बाद वाला क्या है, 1 1 1, तो अभी एक आपका फ्रैक्शन नहीं है, मतलब ये सिंपल क्या है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल में आपको क्या करना था, क्या करना पड़ा था, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ही करना पड़ेगा। तो 1 1 1 अलग से लिखिए, अब ये सिर्फ होल नंबर, इसमें कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो पीछे से 2 to the power 0, 2 to the power 1 और 2 to the power 2 का मल्टीप्लीकेशन करिए, ओके। सो जो इसका आंसर आएगा, 4 + 2 + 1, तो आपको क्या मिला, 7, ओके। तो इसका 7 पॉइंट, अब इसका जो आंसर आएगा वो लिखिए, इसका जो आंसर आएगा वो, मतलब आंसर इसका जो आएगा वो, डेसिमल का रेडिक्स वैल्यू 10। तो ये था बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। तो कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब जो नेक्स्ट है वो डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल फ्रैक्शन। तो अभी आपने कंप्लीट किया था डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन, जिसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था और फिर सॉल्व किया था, तो उसी तरह अब डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल फ्रैक्शन, उसमें मुझे मल्टीप्लाई बाय 8 करना होगा, ठीक है। तो 0.3125 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आप मल्टीप्लाई जब करते हैं 8 के साथ, तो आपको मिलता है 2.5, ठीक है। तो वही सेम केस, जो पॉइंट के लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला, उसे आपको अलग लिखना है, और जो डेसिमल वाला है उसे आपको नीचे लिखना है, जो पॉइंट के बाद वाला है, इनटू 8, तो आपको इधर क्या मिलेगा, 4.0। तो पॉइंट के लेफ्ट वाला जो है उसे आपको कहाँ लिखना है, साइड में, ठीक है। तो और फिर आपको ऊपर से नीचे मूव करना है, तो ऊपर से आप जब नीचे मूव करेंगे तो क्या आएगा, 2 4, और ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको आगे पॉइंट लगा देना है। तो ये था 0.24 डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल फ्रैक्शन। ये पॉइंट लगाना भूलिएगा नहीं, जो आपका आएगा रिजल्ट उसके आगे एक पॉइंट लगा दीजिएगा,
और फिर जीरो लगा दीजिएगा। तो ये था डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखिए, जब आप ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, आपने क्या किया था, बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें आपने स्प्लिट किया था, तो ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। उसमें आपने 2 to the power 0 या 2 to the power -1 का यूज किया, इसमें आपको 8 to the power 0 या 8 to the power -1 यूज करना होगा। ठीक है, अब जो पॉइंट के बाद वाला है, पॉइंट के बाद वाला, जैसे पॉइंट के बाद क्या है 0 4, तो आप 0 4 को अलग से लिखिए। ठीक है, तो इसे मैं नेगेटिव मान लेता हूं, इसे मैं पॉजिटिव मान लेता हूं। नेगेटिव मतलब इसमें आपको 8 to the power -1 और 8 to the power -2 लगा के ऐड करके सॉल्व करना है। ठीक है, और पॉइंट के पहले वाला क्या है 2 3 7 2 3 7, तो 2 3 7 क्या हो गया ऑक्टल। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जब आपको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर से आप स्प्लिट लिखिए और बैक से 8 to the power 0, 8 to the power 1 और 8 to the power 2 का मल्टीप्लाई करिए और फिर ऐड कर दीजिए। तो जो आंसर इसका आएगा वो मींस, फॉर एग्जांपल इसका आंसर अगर आता कुछ भी, लेट अस से इसका आंसर आता है 20, समझिए 162 है, कुछ भी आंसर आता है, तो वो डॉट जो 04 का आंसर आया था सॉल्व करके वो होल 10। तो ये था ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन में आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, और डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 16 करना है फ्रैक्शन का केस में। तो वही सेम तरीका 0.3125 16 से मल्टीप्लाई करिए, कोई डेसिमल में आंसर आएगा, तो डेसिमल का राइट लेफ्ट साइड होगा उसे आप साइड में लिख दीजिए, और जो राइट साइड होगा पॉइंट के बाद इंक्लूडिंग पॉइंट उसे आप इधर लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीप्लाई 16 से करते हैं और 2.something 2 3 कुछ भी आता है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो 0.231 इंटू 16 करिए, फिर से इसके लेफ्ट साइड वाला 2 है, फिर सॉल्व करने से समझिए 1.431 आता है, तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो क्या है 1, तो 1 इधर लिखिए और फिर 0.431 इधर, फिर इसे मल्टीप्लाई बाय 16 और फिर ऐसे करके ऊपर से नीचे। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर आता है B12 आया, इसके आगे 0.0 बैठा दीजिए, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो है हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये 2AB.1C है, A मतलब 10, B मतलब 11 और C मतलब क्या है 12, ओके? तो इसमें आपको स्प्लिट यूज करना होगा, क्या यूज करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग। जब भी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है तो स्प्लिटिंग यूज करना, ओके? तो ऑक्टल में आपने 8 to the power जो पॉइंट के इस साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, उसे पॉजिटिव समझ लीजिए, और जो पॉइंट के राइट साइड वाला है उसे आप नेगेटिव समझ लीजिए। तो जो नेगेटिव का केस होता है, ये जो पॉइंट के बाद वाला का केस होता है, उसको आप जब स्प्लिट करेंगे तो आपको 8 to the power -1 और 16 to the power -1 और 16 to the power -2 लिखना होगा, ओके? आपने ऑक्टल से जब डेसिमल फ्रैक्शंस कन्वर्ट किया था तो आपने 8 यूज किया था, बाइनरी में 2, हेक्सा में 16 यूज करना। ठीक है, तो इसका एक आंसर आएगा, वो आंसर पॉइंट मतलब डेसिमल 2AB। अब 2AB को स्प्लिट कर दीजिए और बैक साइड से 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 का मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, इसका जो आंसर आएगा वो डॉट इसका जो आंसर आया। तो ये था हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन, ओके? स्प्लिट यूज कर, जब भी आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो या डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको स्प्लिट यूज करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा उसका रेडिक्स वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से वो टू द पावर 0, वो टू द पावर 1, टू द पावर 2 फ्रॉम बैक साइड मल्टीप्लाई एंड देन ऐड द रिजल्ट। और अगर नेगेटिव है मतलब डेसिमल के बाद वाला है, जैसे डेसिमल के बाद वाला, तो इन दैट केस रेडिक्स वैल्यू टू द पावर -1 -2 -3, देन ऐड द रिजल्ट एंड आफ्टर दैट एडजस्ट द वैल्यूज एट ऑल, ओके? तो इतना हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी,
बाइनरी फ्रैक्शंस टू ऑक्टल फ्रैक्शंस, ऑक्टल फ्रैक्शंस टू बाइनरी फ्रैक्शंस, मतलब जब भी बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी का कन्वर्जन्स हो तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जनरली आपको टेबल यूज करना पड़ेगा। पूरे कन्वर्जन्स में सबसे इजी कन्वर्जन्स होता है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी उसका फ्रैक्शंस, और हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा उसका फ्रैक्शंस, क्योंकि इस केस में आपको क्या यूज करना पड़ता है, टेबल यूज करना पड़ता है। तो देखिए कैसे यूज करते हैं टेबल। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ बाइनरी का, 0 1 0 1 1 1, ये मेरा बाइनरी है, इससे मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल मतलब आपको कितना कितना का पेयर बनाना पड़ेगा, तीन तीन पेयर का, क्योंकि आपके पास 3 बिट का दिया हुआ टेबल, तो तीन तीन पेयर बनाना पड़ेगा। तो आपको बैक साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1, ये तीन पेयर बन गया और ये बन गया तीन पेयर, ठीक है। तो 0 1 0 टेबल में देखिए उसका वैल्यू क्या है, 0 1 0 का वैल्यू है 2 और 1 1 1 का वैल्यू है 27। तो ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल, इट मीन्स इसका कोड वर्ड है BOT, बोट, मतलब जब भी बाइनरी टू ऑक्टल हो या ऑक्टल टू बाइनरी हो यू नीड टू यूज टेबल, ठीक है। अब मैंने बैक साइड से क्यों चालू किया, बैक साइड से इसलिए चालू किया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कैसा हो जाता है, देखिए 1 1 0 1 0 1 1 1 फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी है, उसे मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब मैं बैक साइड से स्टार्ट करता हूँ, जब मैं बैक साइड से स्टार्ट करूंगा ये पेयर बना, ये पेयर बना, यहाँ 2 1 है, तो आप आगे 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू है बाइनरी को चेंज नहीं होता है, आगे आप जितने भी 0 बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप अगर बैक साइड में 0 बैठाते हैं तो उसका एक वैल्यू आ जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ 0 बैठा दिया जबकि 0 था नहीं, अभी एक पेयर बन गया। तो 0 1 1 आप देख सकते हैं टेबल में, 0 1 1 इज नथिंग बट 3, 0 1 0 इज 2 एंड 1 1 1 इज 7, तो 3 2 7, रिडक्स वैल्यू 8। तो ये था बाइनरी टू ऑक्टल। उसी तरह अगर आपको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू बाइनरी, फॉर एग्जाम्पल मैं 24 ये मेरा ऑक्टल है, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कुछ भी हो, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, कुछ भी हो, आपको टेबल ही यूज करना है। तो 2 देखिए, 2 का जो बिट है वो क्या है, वो 0 1 0 है, तो आप लिख दीजिए 0 1 0। 4 का देखिए टेबल में, 1 0 0 1 0 0, तो ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी, था ना सिंपल। अब आ जाते हैं फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शंस भी हो आपको क्या यूज करना है, टेबल यूज करना है। तो देखिए बाइनरी फ्रैक्शन टू ऑक्टल फ्रैक्शन मैंने एक एग्जांपल लिया, 0.11 0 1 0 1 बाइनरी फ्रैक्शन, इसे आपको ऑक्टल में करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टेबल। अब बहुत केयरफुली इसे देखिएगा, जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, सॉरी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला में जो 1 1 0 1 0 1 है उसे आपको पेयर बनाना है, तो आप राइट से मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से मूव करेंगे। देखिए जैसे डेसिमल है तो मैं यहां से मूव करूंगा, यू नीड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर डेसिमल पेयर बनाने के लिए आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, बिफोर डेसिमल जितने भी वैल्यूज है, जितने भी डिजिट्स है, आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, ओके। सो देखिए डेसिमल ये रहा, तो मैं पेयर यहां से बनाना स्टार्ट करूंगा, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ठीक है। तो 0.110 का आप टेबल से वैल्यू देखिए 6 और 101 का टेबल से देखिए 5 0.65। ये था बाइनरी फ्रैक्शन टू ऑक्टल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 1 0 1 0 1 डेसिमल 1 1 0 0, ओके। तो ये है मेरे दूसरा एग्जांपल, तो इसे मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, ये डेसिमल पॉइंट है, मुझे डेसिमल के बाद वाला जो राइट साइड वाला जितना भी वैल्यूज है उसका पेयर इस डायरेक्शन में बनाना है, तो मैं बनाता हूँ। देखिए ये एक पेयर बना और यहाँ देखिए कमी है, तो मैं 2 0 डाल दूंगा। जब भी कमी होगा तीन तीन पेयर का, सॉरी एक 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 पेयर में 3 डिजिट होना चाहिए, तो जब भी कमी होगा डिजिट्स का तो आप एडिशनल 0 बैठा सकते हैं। तो ये मैंने 0 बैठाया। अब डेसिमल में के जो लेफ्ट साइड वाला है उसका मैं पेयर करता हूँ। देखिए ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, तो 110 टेबल में देखिए 6 1 0 1 5 0.1 1 0 6 और 0 0 0 का 0 ही होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका, ओके, ऑक्टल फ्रैक्शंस टू बाइनरी फ्रैक्शंस। अब उसी तरह हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन, सॉरी बाइनरी फ्रैक्शन को हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन और हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा टेबल यूज करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज दिस टेबल, आपको ये टेबल यूज करना पड़ेगा, ओके। तरीका सेम है,
टेबल का यूज करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन से बाइनरी फ्रैक्शन में जाना है। तो हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन ले लेता हूँ ए बी सी डॉट 1 2, ये मेरा हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन है, मुझे बाइनरी में जाना है। तो इसका कीवर्ड है एच बी टी, अगर एच बी टी हो तो टेबल यूज करना, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, फ्रैक्शन से डॉल टेबल, बी ओ टी बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, फ्रैक्शन से बी ओ टू टेबल यूज करना। तो ए देखिए, ए 10 होता है तो 1010, बी देखिए 11 1011, सी मतलब होता है 1100, 1 मतलब होता है 0001 और 2 मतलब 0010। तो ये कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी फ्रैक्शन। ओके, अब पेयरिंग का क्या करना है, तो आपको वही सेम जो आपने ऑक्टल फ्रैक्शंस में यूज किया था, डेसिमल के बाद वाला जो है, मतलब डेसिमल ऐसे पेयरिंग स्टार्ट करना इस डायरेक्शन में, और डेसिमल के जो लेफ्ट वाला जितना भी डिजिट्स है उस केस में पेयरिंग इस डायरेक्शन में स्टार्ट करना। अब आपको यह याद रखना पड़ेगा कि हेक्साडेसिमल में पेयरिंग आपको 4-4 का करना है और ऑक्टल में पेयरिंग आपको 3-3 का करना है। ओके, तो ये देखिए मैंने 4 का पेयरिंग बनाया, 4 4 4, और यूजिंग टेबल जस्ट पुट द वैल्यूज, 1010 का क्या होता है 10, तो ए बी सी 0.12। ओके, तो ये था हेक्साडेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी फ्रैक्शंस एंड बाइनरी फ्रैक्शंस टू हेक्साडेसिमल फ्रैक्शंस। अब जो नेक्स्ट है वो है लास्ट, तो वो है हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए और फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, ठीक है। एच बी ओ, अगर एच बी ओ जैसा कुछ भी आए, एच बी ओ चैनल का नाम है, पैसे याद रख सकते हैं, तो एच बी ओ जैसा कुछ भी है, मतलब हेक्सा से ऑक्टल में जाना, तो आपको बाइनरी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मेरा एक एग्जांपल ये रहा, 2B6 हेक्साडेसिमल से मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी को ऑक्टल में। तो हेक्सा से बाइनरी एच बी मतलब टेबल यूज करना है, ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल बी ओ मतलब टेबल, बोट एच बी टी। तो इस केस में कुछ भी हेक्सा डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी, बाइनरी फ्रैक्शंस, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल यूनिट यूज टेबल, एच बी टी एंड बी ओ टी, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो अभी मुझे कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, हेक्सा से बाइनरी, तो मुझे हेक्साडेसिमल जो टेबल था वो यूज करना पड़ेगा। तो उस केस में जो 2 का वैल्यू था वो था 0010, बी जो था उसका वैल्यू था 1011, और 6 का जो वैल्यू था वो था 0110। तो ये मेरा हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से मुझे ऑक्टल कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी से ऑक्टल यूनिट टू यूज अ टेबल, तो आपको पेयरिंग बनाना पड़ेगा, कितना कितना का, हर एक पेयर में 3, तो बैक साइड से एक, ये पेयर बना 3 का, ये पेयर बना, ये पेयर, ये पेयर। ओके, तो जो पेयर बना, अब टेबल से देख के आपको इसका इसका वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1 2 6 6, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल फ्रैक्शन। तो इस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको टेबल यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये था कन्वर्जन, काफी इजी है, प्रैक्टिस करिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।